अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न बेबीज़। जॉन्डिस जो होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ में हमेशा दो अकसाम का होता है, जो जिन्हें मेजर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पहले बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है मोस्टली सेकंड और थर्ड डे ऑफ लाइफ से बच्चों में अपियर होना शुरू होता है, एविडेंट होता है, और फिर उसके बाद उसका एक पैटर्न होता है कि जो कि नॉन अग्रेसिव होता है। बहुत तेजी से बच्चा येलोइश डिस्कलरेशन की तरफ नहीं जा रहा होता है, और अगर बच्चा बहुत तेजी से येलोइश डिस्कलरेशन की तरफ जा रहा होता है तो इट मीन्स कि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है और इसमें फौरी टेस्टिंग और प्रॉपर फिजिकल इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होते हैं वो किन वजहों की बिना पर हो सकता है? एक तो उसका इडियोपैथिक रीजन होता है, क्योंकि बच्चों के जो प्री मेच्योर, स्पेशली जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनका लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होता। उसके अलावा टर्म बेबीज में भी ऐसा होता है कि कभी कभार लिवर के कुछ एंजाइम्स जो है प्रॉपर्ली अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे होते, तो मिल्क की डाइजेशन में कभी कभार उसकी बिलीरुबिन जो मेटाबॉलिज्म है उसमें रुकावटें आ रही होती हैं, और इसकी वजह से बिलीरुबिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। लेकिन ये इस वजह से खतरे का बाइस नहीं होता, क्योंकि इसको बॉडी बहुत जल्द ओवरकम कर लेती है। उसके अलावा कभी कभार एक रीज़न ये हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की टर्म यूज होती है, वो इसलिए होती है कि कुछ मदर्स जो होती हैं उनको जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं उनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होती, कम मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है उनकी बॉडी में, उसकी वजह से बच्चों की फीडिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती। तो एक रीज़न ये होता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा होता है, और जब वो कम फीड लेगा, डिहाइड्रेटेड होगा, तो बिलीरुबिन जो है बॉडी से येलोइश कलरेशन जो करवा रही होती है जिसम में, वो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पा रही होती, तो ये कहलाता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। इसी के साथ एक और टर्म होती है ब्रेस्ट मिल्क एसोसिएटेड जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क एसोसिएटेड जॉन्डिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एक सब्सटेंस होता है जो कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जा रहा होता है, जिसको बोलते हैं UDPGA। UDPGA की फुल फॉर्म ये यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लुकुरोनिक एसिड और ग्लुकुरोनाइल ट्रांसफेरेस, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ब्रेस्ट फीड में होते हैं, और इनकी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही होती, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो ये कहलाता है ब्रेस्ट मिल्क एसोसिएटेड जॉन्डिस। इसका एक हॉलमार्क ये होता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं पड़ रहा होता, ये जॉन्डिस स्टैटिक हो जाता है। कुछ बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है, वैसे नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन ये कि ये 7 डेज से 14 डेज के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ठीक हो जाना चाहिए, बच्चा रिकवर कर जाता है और खुद ही कर जाता है, उसमें किसी खास इंटरवेंशन की नीड नहीं होती। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस स्टैटिक हो जाए, 3 हफ्ते गुजर गए और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, और वैल्यू फिक्स्ड है, यानी कि बिलीरुबिन वैल्यू बहुत ज़्यादा रेज भी नहीं हो रही, 10 और 15 के बीच में होती है वो, 8, 10, 12 इस तरह की वैल्यू होती है, स्टैटिक होती है, ना बढ़ रही होती है ना कम हो रही होती, तो ये फिर एक हमें इंडिकेट करता है कि ये ब्रेस्ट मिल्क एसोसिएटेड जॉन्डिस है। तो उसमें फिर क्या किया जाता है, फॉर्मूला फीड भी अलॉन्ग साइड विद मदर फीड स्टार्ट किया जाता है, और साइड बाय साइड जब बर्डन कम होता है, मिल्क डाइजेशन का प्रोसेस आसान हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है ब्रेस्ट मिल्क एसोसिएटेड जॉन्डिस खुद ही खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मोस्टली सनलाइट थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। सनलाइट थेरेपी देने का प्रोटोकॉल ये है कि एटलीस्ट दिन में 10 से 30 मिनट तक आप डेली सनलाइट दें, और ये भी तब जब डॉक्टर ने आपको बच्चे को प्रॉपर चेकअप करने के बाद एडवाइस किया हो कि हाँ भाई इसको सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत है और ये खुद ही सबसाइड होगा। तो सनलाइट देने का बेस्ट टाइम जो है वो पीक आवर्स के अलावा है। दिन के पीक आवर्स जो होते हैं गर्मी के नॉर्मल मौसम में, वो 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम जो होता है वो एक्सटेंसिव सनलाइट वाला टाइम होता है। उसमें आपने सनलाइट एक्सपोजर से बच्चों को बचाना होता है, क्योंकि वो एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेज जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसके अलावा बेस्ट टाइम यही है कि सुबह 6-7 बजे से लेके 8-9 बजे तक का टाइम, उसमें अगर आप चाहें तो वक्फे से 10-10 मिनट के वक्फे से आप बच्चों को सनलाइट एक्सपोजर करवा सकते हैं फॉर टोटल 30 मिनट्स, और दिन में 2 से 3 बार करवा सकते हैं। तीसरे बार यही है कि 4 बजे के बाद से जो आफ्टरनून वाला जो टाइम होता है, शाम वाला मगरिब से पहले का, उस टाइम में आप 4 बजे के बाद से मगरिब से पहले तक 30 मिनट तक का एक्सपोजर करवा सकते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है और फ़ायदा होता है बच्चों को। लेकिन जॉन्डिस की जो दूसरी किस्म है उसको कहा जाता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हमेशा एक डेंजर साइन होता है, क्योंकि वो बच्चे के बिल्कुल राइट आफ्टर द बर्थ, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ डिलीवरी बच्चे के साइन अपियर होना शुरू हो जाते हैं। येलोइश डिस्कलरेशन होती है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, तो इस बढ़ने की वजह बहुत सारी जो वजूहत हैं जो है वो खतरे की अलामत की वजह से होती हैं, तो उनमें फौरी इंटरवेंशन की नीड होती है और उसमें फौरी ट्रीटमेंट करनी होती है बच्चे की आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉज, जिसके लिए बच्चे को एडमिट करना पड़ता है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में कभी भी बच्चों को घर पे ऐसे नहीं भेज सकते, उसमें एडमिट किया जाता है और उसके टेस्ट करवाए जाते हैं बच्चों के। जो कुछ कॉमन कॉजेज हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के, वो एक है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें ABO इनकम्पैटिबिलिटी या RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड बेबी के आपस में जो क्लैश होता है उसकी वजह से हो रहा होता है। उस पर एक प्रॉपर एक पूरी वीडियो मौजूद है RH इनकम्पैटिबिलिटी की, स्पेशली ओ नेगेटिव मदर्स या RH नेगेटिव ग्रुप की जो मदर्स होती हैं, इस तरह के इश्यूज को कहा जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। उसके अलावा जो एक मेजर कैटेगरी है वो है G6PD डेफिशिएंसी। G6PD एक एंजाइम होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के एंजाइम है, और उसमें इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करा रही होती है, तो इसमें भी ब्लड सेल्स बहुत तेजी से टूट रहे होते हैं और जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो इसको रोकना पड़ता है, और इसको रोकने के लिए पहले टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद बच्चे को एडमिट किया जाता है, फिर रेलिवेंट थेरेपीज दी जाती हैं।
तीसरी टाइप होती है कॉमन टाइप जो है वो ये कि या तो अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस किसी और वजह से हो रहा है तो वो कोई बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस। न्यूबॉर्न बच्चों में अगर कोई राइट आफ्टर डिलीवरी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो बड़ा इन्फेक्शन हो सेप्सिस, तो उसमें लिवर एंजाइम से बड़े मुजिर असरात पड़ते हैं और उसमें भी जॉन्डिस इसी तरह अपियर होता है और बहुत तेज़ी से बच्चा येलो डिस्कलरेशन की तरफ जा रहा होता है। खतरे की बात इसमें ये होती है कि अगर आपने ब्लीरूबिन प्रोडक्शन को ऑन टाइम नहीं रोका तो फिर ये जो है ब्लीरूबिन ये दिमाग के सेल्स को मुतासर करेंगे और बच्चा खुदा ना खास्ता आगे जाके ज़हनी तौर पे ज़िंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकता है, और अगर ये इस नौबत तक ना पहुँचे तो शुरू में ही वफात भी हो सकती है। तो फौरी तौर पे इन चीज़ों में बच्चों को फौरी प्रोटोकॉल देना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है और टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पाँचवीं वजह ये हो सकती है कि बच्चे में लिवर डिसफंक्शन डिसऑर्डर्स हैं। लिवर के डिसऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं, कंजेनाइटल हेपेटाइटिस से लेकर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये वाले जो एरर्स होते हैं जेनेटिक इश्यूज होते हैं लिवर के हवाले से, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल फौरी तौर पे हो सकते हैं। तो ये सारे वो मसले थे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कैटेगरी में जिसमें बच्चों को फौरी प्रॉपर एडमिट करके उनको मैनेज करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है और स्पेशलाइज सेटअप में एडमिट करना पड़ता है जहाँ पर इंटरवेंशनल चीज़ें की जा सकें। जब ऐसे मौके पर बच्चों को एडमिट किया जा रहा होता है तो फौरी तौर पर ब्लड सैंपल ना सिर्फ टेस्ट किए जाते हैं बल्कि अगर जॉन्डिस बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, 20 या 20+ की वैल्यू आ रही होती है, तो यूजली कभी कभार ऑन क्लिनिकल बेसिस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जाती है जिसमें बच्चों के अम्बिलिकल कॉर्ड में वो पास करके कैथेटर पास करके वहाँ से ब्लड लिया भी जा रहा होता है और उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के जरिए उसी ब्लड को फ्रेश ब्लड को उसमें बच्चों में इंजेक्ट भी किया जा रहा होता है। तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक इंटरवेंशनल मेथड है जिससे बच्चों की लाइफ बचाई जा सकती है और उनके ब्रेन को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। उसके साथ साथ कहे तो ऐसे हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, जहाँ पे एक प्रॉपर ब्लड बैंक हो, जहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शनल लेबॉरेटरी हो 24 आवर्स की उनकी सर्विस हो, और NICU वेल डेवलप्ड हो जहाँ पर सारे न्यूनेटल केयर वाले स्टाफ मौजूद हों और वो प्रोटोकॉल दे सकें और उन्हें इस फेज से बाहर निकाल सकें।